दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा लगाना शुरू कर दिया था। बीजेपी अपने दम पर 370 जीतने का दावा भी कर रही है। हालांकि चुनाव में एनडीए को 400 सीट मिलना आसान काम नहीं है। वहीं किसी सर्वे में भी अभी तक एनडीए ने 400 सीटों का आंकड़ा पार नहीं किया है। अब तक सामने आए ओपिनियन पोल का अनुमान है कि बीजेपी चुनाव में आसानी से जीत तो सकती है, लेकिन एनडीए का 400 सीटें हासिल करना मुश्किल है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी को इस बार महज 180 सीट मिल रही है और वह चुनाव हार रही है। सबसे पहले राहुल गांधी ने 180 सीट का नंबर दिया था और कहा है कि मैच फिक्सिंग करके भी बीजेपी को 180 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने यह नहीं बताया है कि यह दावा किस आधार पर कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के दावे के बाद अब पार्टी के अन्य नेता भी इसी नारे को बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राहुल गांधी क्यों बीजेपी के 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और यह आंकड़ा उनके पास कहां से आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस के किसी सर्वे को आधार बनाकर यह दावा किया है। हालांकि उन्होंने उस पोस्ट में सर्वे को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और ना ही सर्वे की विश्वसनीयता को लेकर ही कोई दावा किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, कई दोस्तों ने मुझे इस तथाकथित आरएसएस वाले और दूसरे सर्वे पर अपनी राय देने को कहा है। मैं नहीं जानता यह किसने करवाया है। यूं भी मुझे अब चुनावी भविष्यवाणी में दिलचस्पी नहीं है, मुझे भविष्य बताने के बजाय भविष्य बनाने में दिलचस्पी है। संभावनाओं का आंकलन करने में रुचि है ताकि उसे हकीकत में बदला जा सके। हालांकि आरएसएस ने अब तक इस तरह के किसी सर्वे की जानकारी नहीं दी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आरएसएस ने जो सर्वे किया है उसमें बीजेपी 180 पर अटकी हुई है। इतना ही नहीं, पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और उसकी सीटें कम होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने भी हाल ही में बीजेपी आरएसएस के सर्वे का एक ग्राफिक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हालांकि इस तथाकथित सर्वे में भी बीजेपी के 214 सीटें जीतने का दावा किया गया था, न कि 180 सीट का। इस सर्वे में गुजरात, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी को डबल डिजिट में सीटें मिलती दिखाई दे रही थी।